हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल माय वाइफ इज ड्रैगन क्वीन के एपिसोड नंबर 9 के साथ। आज इंदौर डायरेक्ट टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जहां पर जो लोली होती है वो बेहोश हो गई होती है, मतलब हृदय जो होती है वो बेहोश हो गई होती है क्योंकि शिया ने एक जोरदार पंच लगा दिया होता है। वो इसलिए क्योंकि जो साइंटिस्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं लेकिन दिमाग से और वो अपनी टेक्नोलॉजी से, लेकिन उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है क्योंकि वो कभी भी अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं और वो दिन ब दिन उनकी बॉडी बेकार होती जाती है। फाइटिंग के मुकाबले में दूसरे भाग में दिखाया जाता है एक ऑगलेसी, मतलब एक एल्केमिस्ट के बारे में, जहां पर सीए के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से उसकी जो जूनियर सिस्टर है वो बहुत ज़्यादा उसे पीटा करती थी, जिसके कारण उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है पहले के मुकाबले में, इसलिए उसे इतना ज़्यादा इस सबसे फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो इस सब डेंजर से बच गया है और उसे इस तरीके से मतलब बिल्कुल आसानी से हरा दिया था। और तो और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो ली होती है वो जल रही होती है कि वो लुआन के गले लग रहा है, मेरे नहीं लग रहा है, और ली के असिस्टेंस के साथ साथ उसे वापस टाइम पोर्टल से वापस 10 ईयर्स बैक भेजने की तैयारी चलने लगती है और वो अपना पोर्टल खोल देती है, एक टाइम पोर्टल, और उसके जो चोटें हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो गई होती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो शिये है वो मन में सोचते बोल रहा होता है, जहाँ पर उनकी बातें चल रही होती कि हम इस ड्रैगन स्लेयर के मामले को संभाल लेंगे, लेकिन मैं उस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गया कि जो मेंशन किया था लुआन ने मेरे से अभी, और तभी उससे पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम कह रही हो कि, तभी जो लुआन है उससे बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, जब तुम वापस जाओगे तो ये पूरी की पूरी टाइमलाइन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जहाँ पर इसका गुस्सा होना और लोगों को तबाह करना और दुनिया को पूरी तरीके से मिटा देना ये सब गायब हो जाएगा, और इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की भी टाइमलाइन पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। तभी जो शिये बोलता है इसका मतलब ये है कि तुम दोनों भी, और वो स्माइल करती है, और तभी लुआन उससे बोलते ये बिल्कुल ठीक है, वैसे ये कोई ज़्यादा बुरी एंडिंग भी नहीं थी, मुझे पता है ये है थोड़ी बुरी एंडिंग लेकिन फिर भी मैं अपने लिए अपने सेल्फिश नहीं बन सकती इस तरीके से। तभी हमें ली को दिखाया जाता है, वो उसको देखकर शर्मा रही होती है, उसका चेहरा लाल बढ़ रहा होता है, अब समझ में आया ना डेयरी मिल्क के लड्डू फूट रहे हैं दिल में अब तो, और उससे बोलती है कि तुम वापस जाओ और हमेशा हमारी साइड बने रहना। तभी जो लुआन है उससे बोलती है एक बात हमेशा याद रखना कि इस बार तुम फिर से खो मत जाना, याद रखना, और तो और तुम मुझे इस तरीके से छोड़कर जाने के लिए अलाउ नहीं हो फिर से। तभी जो ली होती है वो उससे बोलती है हाँ एक और बात प्लीज़, कि मेरा जो दूसरा सेल्फ है उसको बता देना कि बहुत ज़्यादा दूध पिए और बहुत ज़्यादा पपाया खाए। तभी हमें दिखाया जाता है वो शांति से सुन रहा होता है, तभी उन्होंने उससे बोलती है अब समय हो चुका है तुम्हारे वापस जाने का डार्लिंग। तभी जो ली होती है उससे बोलती है हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे, भाई उसका चेहरा तो ऐसा देखता है अभी जकड़ ले भाई, कतई चेहरा लग रहा है ना एकदम अब लग रहा ना बॉस, भाई इसका तो बनता है, इसको दिखाना तो बनता है, और दोनों बोलती हैं चलो मिलते हैं नेक्स्ट फ्यूचर में, और वो वापस टाइम पोर्टल से कूद जाता है और अपने समय वापस आने लगता है, उसका जो पोर्टल है वो धीरे धीरे करके बंद हो ही रहा होता है, और हमारा पास्ट मतलब प्रेजेंट सीन का दिखाया जाता है जहाँ से वो गायब हुआ था, जहाँ पर उसने फायर कर रहा था। तभी हमें दिखाया जाता लिटिल लोली होती है, वो पूछती है आखिरकार ये कहाँ गायब हो गया, और ऊपर से एक पोर्टल खुलता है जहाँ पर वो सीधे आकर उसके ऊपर गिरता है, जिस कारण वो वही बेहोश हो जाती है, और सभी लोग सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं हे हनी तुम तो बहुत ही ज़्यादा औसम हो यार, ये तो भाई ट्रेडमार्क के एस्केप टेक्निक सबसे ज़्यादा बेस्ट थी, अपने आप को उस जगह से पोजीशन से गायब कर दिया और वहाँ पर कूद गया और ऊपर से अपेयर हो गया, उनसे उसको बेहोश कर दिया, भाई कतई जहर वाला था, और लुलुआ ये देखने के बाद तो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, बिल्कुल प्रेजेंट वाला सीन चल रहा है, इसको देखकर शिये बोलता है ये वाकई में बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, आखिरकार तुम क्या इमेजिन कर रही हो, था कुछ भी नहीं, खैर भूल जाओ जो भी बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट सिनेमा में दिखाया जाता है उसने लिटिल लोली को पकड़ के रखा हुआ था, इसको देखकर वो लिटिल लोली रो रही होती है और उससे बोलती है मेरी शिप ट्रांसफॉर्मिंग गन यार, और तभी शिये उससे बोलता है अच्छा तो वो था तुम्हारी शिप ट्रांसफॉर्मिंग गन, और उससे बोलता है कि अब तुम्हें पता चलेगा, खैर तुम इतना जान लो कि तुम मुझे शुक्रिया कहोगी, जिसको सुनने के बाद वो बोलता है अरे घंटा जी तुम्हें शुक्रिया वो किस लिए, एक तो तुमने मेरा आर्मर तोड़ दिया और दूसरी बार तुमने मेरी शिप ट्रांसफॉर्मिंग गन भी तोड़ दी, तुम कोई इंसान भी हो भाई, आखिरकार तुम इन ड्रैगन्स के साथ क्या कर रहे हो। तभी वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम इतने ज़्यादा ड्रैगन्स को मतलब नफरत क्यों करती हो, जिसको सुनने के बाद वो भड़क जाती है और उससे बोलती है जो ड्रैगन्स को हंट करना वो मेरा ऑक्यूपेशन है, आखिरकार तुम्हें किसने हक दिया मुझे रोकने का, और इस बात को सोचने की हिम्मत ही मत करना क्योंकि जो ड्रैगन्स होते हैं वो तुम्हें गुड क्रिएचर लगते हैं क्या, भले ही वो नॉर्मल और परफेक्ट क्रिएचर लगते हैं अभी के अभी, लेकिन कोई पता नहीं वो किस सेकंड रैंपेज हो जाए, बहुत ज़्यादा गुस्से में जाए, जिसको सुनने के बाद वो और ज़्यादा डर जाता है
और तभी वहाँ पर एक धमाका होता है और दूसरे में हमें दिखाया जाता है वो लोली वहाँ से गायब हो गई होती है और धुआं ही धुआं होने लगता है। इसको देखकर वो सरप्राइज होता है और बोलता है यहाँ पर धुआं धुआं, अच्छा तो इसके पास भी कुछ टेक्निक थी यहाँ से भाग निकलने के लिए। तभी लोली उससे कहती है चलो ठीक है सब कुछ ठीक हो चुका है, अब जब ये वापस आएगी हनी तो हमें हम तुम तो मैं मुझे फिर से प्रिपेयर करना होगा और कुछ भी नहीं। तभी लोली उससे बोलती है मैं इस बार पर्सनली उसे हराऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तभी हमें दिखाया जाता है शी को, शी उससे बोलता है अच्छा ठीक है, आखिर उसका क्या मतलब हुआ कि जो ड्रैगन्स होते हैं वो कभी भी रैम्पेज हो जाते हैं किसी भी मूवमेंट। तभी जो लुलुवान उसे एक्सप्लेन करती है और बोलती है हमारे ड्रैगन क्लैन के अलावा भी काफ़ी ज़्यादा अलग क्लैंस भी हैं और कुछ कारण ऐसे हैं जिस कारण ऐसा होता है जिसके कारण उनकी पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और उनकी रॉ स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ड्रैगन्स होने के कारण, और तो और वो एक ड्रैगन मतलब डिमोनिक ड्रैगन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तभी शी ये मन में सोचते बोलता है क्या डिमोनिक ड्रैगन, क्या लुलू भी फ्यूचर में ऐसे ही हो जाएगी डिमोनिक ड्रैगन की तरह या फिर थी वो उस तरीके से, और सब कुछ वहाँ पर क्लियर हो जाता है। और सब कुछ होने के बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक तरफ होती है लुलू आँख, दूसरी तरफ होती है ली, एक आँख से देख रही होती है, मतलब उसका जो अंदर का जो था ना विचार उसके बारे में बदल चुके हैं। और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो लुआन है वो अपने गुब्बारे ली के हाथों से पकड़ पकड़ वालों घस रही होती है। फिक्शन भाई, करंट आ जाएगा भाई, गुब्बारे चिपके लगेंगे तो फब्बर मच जाएगा, याद रखना इस बात को। इसको देखकर शी उससे बोलता है ऐसा मत करो यार प्लीज़, जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। और ली भाई, ली तो जली रही होती है, उसके पास तो है ही नहीं, उसके पास तो मोमोज हैं। तभी हमें किसी की एंट्री दिखाई जाती है, लड़की का पैर होता है, सीधी सी बात है कि लड़की की एंट्री होगी, और उससे बोलती है काफ़ी समय बाद मिले तुम शेमलेस पर्सन, आखिरकार हम इस बात मिल ही गए ना। जिसको देखकर वो सरप्राइज होता है और बोलता है तुम तो सीनियर सिस्टर हो भाई, यहाँ पर क्या कर रही हो। और उसके पीछे एक और होती है कोई बड़े बड़े मतलब गुब्बारे नहीं, हाँ वाटरमेलन सबसे बढ़िया वाली, ये तो उसके पास तो साला मोमोज भी ना है, चिप्स चिप्स भाई, चिप्स चिप्स लेवल के हैं। तो भाई जो चिप्स लेवल की होती है ना वो उसकी सीनियर सिस्टर होती है, लेकिन अभी पता चलेगा अभी कुछ धमाकेदार होने वाला है। जिसको देखकर वो घूरने लगती है उसको जोड़ों जोड़ से, और वो सरप्राइज होता है। दूसरे अब हमें दिखाया जाता है जो उसकी जो दूसरी साइड खड़ी हुई होती है उसकी सीनियर सिस्टर के साथ में वो गुब्बारे वाटरमेलन वाली, उसे देखकर जो लुलुआन है बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है और एक्साइटेड हो जाती है और मन में सोचते बोलती है अच्छा तो यह है मेरी हनी की सीनियर सिस्टर, मैंने सुना है कि जो उसके फेलो सेक्ट मेंबर हैं वो ईस्टर्न कंट्रीज से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और एक फैमिली की तरह रहते हैं आपस में। अगर ऐसी बात है तो मैं तो अपने हस्बैंड की फ्यूचर वाइफ हूँ, मतलब मेरे हनी की, तो मुझे इसके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने होंगे। और उसका हाथ पकड़ लेती है वो भाई, दूसरे का पकड़ लेती है और उसे ग्रीटिंग करने लगती है और उसे बोलती है मेरा नाम लुलुआन है और मैं शीए की फ्यूचर वाइफ हूँ। जिसको देखकर वो औरत तो गुस्सा होने लगती है और भाई गुस्से के मारे तो उसकी आग बबूला होने लगती है। जहाँ पर दूसरी तरफ लुलुआन उसे चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती दूसरे से और उसे बोलती है तुम लोग बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी से आए होगे, तुमने सही कहा ना, मैं यहाँ पर लोकल हुआ, मेरी फैमिली भी, तो मैं कभी भी अपने हनी के नेम पर सेम नहीं आने दूंगी। तभी शीए उससे बोलता है ओ उसके बारे में ये लुलुआन है। तभी वो लुलुआन से कहता है वो मेरी जूनियर सिस्टर है और जो उसके साथ दूसरी लड़की खड़ी हुई है वह मेरी सीनियर सिस्टर है। इसको देख रहे वो चिल्ला कर कहती है वो तेरी, ये तो चिप्स जैसी है भाई, आई मीन ये तो इतनी ज़्यादा स्मॉल है। इसको सुनने के बाद वो भड़क जाती है और बोलती है तुम किसे स्मॉल बुलाने की कोशिश कर रही हो। और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोलती है कि वेस्टर्न के जो लोग हैं वो वाकई में बहुत ज़्यादा टेरेबल है जजमेंट करने में। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इस लोली की भी लोली है भाई, तो एकदम अभी पैदा हो गया ये ऐसा लग रहा है, चिप्स हैं चिप्स और कुछ नहीं। और यहाँ पर दूसरी जो वाटरमेलन वाली होती है वो उसकी जूनियर सिस्टर होती है, वो उससे बोलती है मेरा नाम वाई यू है, तो इसे यू कहेंगे भाई, कौन बोलेगा उसे वाई। तभी जो दिखाया जाता है लुलुआन उसके आसपास आती है और उससे बोलती है मुझे माफ़ कर देना सीनियर सिस्टर, आपने आपको शांत कर लो। तभी दूसरा हमें दिखाया जाता है जो उसकी सीनियर सिस्टर होती है वो उसके मतलब लुलुआन के गुब्बारे की तरफ दिखती है और उससे बोलती है आखिरकार ये लड़की कहाँ से आ गई ये चमची, और तो और ये शीए को अपनी फ्यूचर ब्राइड बोल रही है, जो जूनियर ब्रदर है मेरे उसका जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा प्योर है, आखिरकार इस जैसी लड़की से किस तरीके से पागल बन गए भाई। और तो और दूसरी तरफ देखा जाए तो इसके गुब्बारे भी धीरे धीरे करके फूल रहे हैं भाई, ये तो भाई एकदम गाय है गाय, अब समझ जाओ यार क्या कहना चाहते हैं उसमें, तो भाई आजकल तो लोग उसे आ रहे हैं, ये मेरी जूनियर सिस्टर से इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है। तभी जो लू होती है वो उसका शरमाने लगती है और बोलती है आखिरकार ये मेरे को इतने बुरी तरीके से क्यों घूर रही है, मैं इसके साथ आर्ग्यू नहीं करने वाली। तभी अचानक से वो देखती है किसी को और वहाँ से दौड़ते हुए आती है ली के पास और उससे हाथ मिलाती है और उससे बोलती है कि मैंने सुना था कि वेस्टर्न के जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी काव हैं और कुछ भी नहीं, लेकिन अपने जैसे से मिलने के साथ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मेरे यहाँ पर भी साथी हैं। जिसको देखकर ली सरप्राइज होती है और एकदम से
सोचने लगती है ये कहाँ से आ गई और क्या बकवास किया जा रही है मेरे साथ। और हमें दिखाया जाता है दोनों के दोनों भाई जो उसके जूनियर सिस्टर और सीए उससे बोलते हैं क्या जो हमारी सीनियर सिस्टर है वो अभी भी दूसरे लोगों के बूब्स के बारे में बात कर रही है, मतलब वाटरमेलन्स के बारे में बात कर रही है क्या फिर से। जिसको देखकर वो बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जहाँ पर उसका साइज देखती है ली पता चलता है वो तो चिप्स के बराबर है। जैसे ही उसके पता चलता है उसके चिप्स के बराबर अपना हाथ जोड़ते उठाती है और बोलती है हम कभी भी एक दूसरे के ग्रुप में नहीं आ सकते और मैं पसंद भी नहीं करती, मैं अभी भी यंग हूँ तो मैं ज़रूरी ग्रो हो जाऊँगी। और तभी सीए बीच में बोलता है और बोलता है इस बारे में मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि इससे दूर रहो तो बेटर रहेगा, इस पर दिल पर मत लेना इस बात को। और तो और किसी ने मुझे कहा है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दूध पीना है और बहुत ज़्यादा पपाया खाना है, वो ली से बोल रहा है ये बात। जिस सुनने के बाद ली भड़क जाती है और अपने स्पाइडरमैन मतलब स्पाइडर वुमन वाली पंच मतलब किक मारती है उसके मुँह पर, कहना ही चेयर किक लग रही है ना भाई। इसको देखने के बाद तो हंसी रुक नहीं रही मेरी। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो गिर जाता है भाई, कुछ और दिख जाएगा इसका ज़्यादा कपड़ा उड़ गया तो। और तभी जो लुलू आन उसके पास आती है उससे बोलती है यानी तुम ठीक हो क्या। और दूसरी तरफ हमें दिखाया था वो अपनी सीनियर सिस्टर से बोलती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम मुझे भी ढूंढने आई हो इस बार। तभी वो उससे बोलती है बिल्कुल ये सब हमारे बच्चे के लिए जो हो रहा है भाई। ये सुनने के बाद तो जो लुलू आन है वो और ज़्यादा भड़क जाती है, मैं तो हंस लिया अब आपकी बारी है हंसने की। और भाई उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारती है सेम किक के साथ और सेम एक्शन के साथ। तभी वो बोलती है मैं तो बस मजाक कर रही थी और कुछ भी नहीं। तभी जो शीए होता है अपनी मैजिक पावर से मतलब एल्केमी पावर से अपने चेहरे को हील कर लेता है और उससे बोलता है सीनियर सिस्टर क्या आप अपने शब्दों पर ध्यान दोगे, उस तरीके का जोक करना प्लीज़ बंद कर दो, मेरी जो टेक्निक है वो ज़्यादा देर तक काम नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करती है। तभी जो लुलुआने से बोलती मुझे माफ़ कर देना हनी, उसकी तो बैंड बजा रखी है दोनों सबसे। ये देखकर उसके सीने से झड़कती है और बोलती है अच्छा ठीक है अब मैं तुम्हारा मजाक नहीं बनाऊंगी। और उससे बोलती है अच्छा मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गई कि मैं जो इस समय जो आई हूँ और तुम्हारा टाइम आ चुका है, जिसको सुनकर वो सफर जाता है किससे ही का टाइम। और तभी उस सीनियर सिस्टर से बोलती है तुमने बिल्कुल सही कहा और अपना कुछ मैजिक वैजिक करना स्टार्ट कर देती है। और हमें दिखाया जाता है बड़े बड़े दो हाथ आ जाते हैं ऊपर एक चेहरा आ जाता है और उससे बोलती है कि अब हमारा समय आ चुका है हमारे सेक्ट के मार्शल आर्ट शोकेस के लिए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।